हेलो भाइयों, मैं पहली बार पर्सनल ब्लॉग बना रहा हूँ। इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है पर्सनल ब्लॉग की तरफ। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेके पहली बार अभी शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम। तो अभी 7:50 हो गए हैं, तो अभी मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरा नाम है गुरुदास तांबुलकर और मैं 21 साल का हूँ। और ये है हमारी इको, ये हमारी 2010 की इको है। तो चलिए अभी हम जाते हैं कॉलेज को। तो अभी हम बैठ गए गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी शुरू कर दे। तो हमारा कॉलेज पंजिम में पड़ता है। यहाँ से पंजिम जाने के लिए कुछ आधा घंटा लगता है। थोड़ा रास्ते में कुछ काम रहता है तो वो करके हम जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। तो मैंने पहली बार माउंट अभी अपने सर पर लगाया है, तो मुझे उतना वीविंग एंगल का कुछ पता नहीं है कितना क्या क्या दिख रहा है आपको। तो भाइयों, ये है गोंडालिम ब्रिज। ये बहुत प्यारा ब्रिज है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। सब आपको सनसेट सनराइज आपको यहाँ से बहुत बढ़िया दिखता है। मैं एक बार ज़रूर लेकर आऊँगा आपको यहाँ पे दिखाने के लिए सनसेट। तो यहाँ पे इस ब्रिज पे ऐसा आर्क है, बहुत बढ़िया है ब्रिज। बस यहाँ पे हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। ट्रेन आ रही होगी अभी, तो गेट अभी ही हमारे सामने ही बंद किया है। तो अभी हमको यहाँ पे 15 मिनट रुकना पड़ेगा। आज थोड़ा लेट होगा हमको कॉलेज जाने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए ओल्ड गोवा। अगर हमारा वहाँ पे ट्रेन के पास टाइम वेस्ट नहीं होता तो हम 5 मिनट में पहुंच जाते थे ओल्ड गोवा। तो ये है ओल्ड गोवा का सर्कल, ये गांधी सर्कल बोलते हैं यहाँ पे। ये देखो, पंजिम जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रिबांदर से हम जा सकते हैं बीच में से, और ये अभी हाईवे से हम जा रहे हैं। तो अगर आपके पास टू व्हीलर है तो आप रिबांदर से उस रास्ते से जा सकते हो, क्योंकि गोवा में अभी धूप, दोपहर के टाइम धूप बहुत रहती है। तो वहाँ पे झाड़, क्या बोलते हैं, ट्री ने रास्ते को ऐसा कवर किया हुआ है, तो आपको धूप नहीं लगेगी। तो आप टू व्हीलर से जाते हैं तो उस रास्ते से जा सकते हैं, वो रास्ता प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी हम इस रास्ते से आए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है हाईवे पे। अगर बीच में से जाओगे तो आपको ट्रैफिक जरूर मिलेगा, अभी बहुत ज़्यादा मिलेगा ट्रैफिक। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता प्रेफर करते हैं। तो भाइयों, अभी आप कभी भी हाईवे से आते हो तो आप वहाँ से ओल्ड गोवा से यहाँ तक बिट्टू मॉल तक कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आगे 60 की स्पीड लिमिट पर हमको जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कैमराज है। ये देखिए ऊपर, अगर देख रहा होगा तो आपको। हम भी वैसे भी अभी 80 की स्पीड पे, 60 बहुत स्लो हो जाता है वहाँ पे। तो पता नहीं 60 की क्यों स्पीड दी है वहाँ पे 60। तो भाइयों, अभी हम पहुँच गए हैं कॉलेज। अभी हमको 9 बज गए और थोड़ा लेट हो गया है। आई गेस सर क्लास में आ चुके होते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो करंटली आई एम परसुइंग BCA एट द डॉन बॉस्को कॉलेज। तो ये है हमारी कॉलेज, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भाइयों अंदर वीडियो चालू नहीं करूँगा, मैं बस गेट तक ही व्लॉगिंग करूँगा, फिर उससे आगे मैं बंद करूँगा वीडियो। तो हमारा कॉलेज, तो भाइयों हमारा इस साइड का सेशन जो है ना, ये स्कूल के लिए, स्कूल और नर्सरीज के लिए, और इस साइड का हमारा कॉलेज के लिए है।
तो चलिए भाइयों, मैं आपको कॉलेज ख़त्म होने के बाद मिलता हूँ। हेलो भाइयों, तो अभी हमारा रिसेस चालू है, तो अभी मैं आपको हमारे दोस्तों से मिलाऊंगा। तो ये है हमारा उल्लास, तनिष्क और श्रेयस वेलेंसियो, और ये है हमारा ऋत्विक, यश, हमारा यश है। अभी हम मीरामार पहुँचे हैं, ये है मीरामार का सर्कल, यहाँ पे मीरामार बीच आगे। तो भैया ये है अभी यहाँ पे राजभवन और करण जालिम बीच, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से देखने को मिलता है आपको, और यहाँ पे बैठने के लिए ऐसे चेयर्स भी मिल जाते हैं। तो भाइयों, हम लोग राजभवन गए थे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा देर रुके नहीं, तो इधर नीचे ही एक करण जालिम बीच है, तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम शांत बीच मिलता है आपको, सिर्फ आपको विंड नॉइज और ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है, तो कोई लोग वगैरह कुछ नहीं रहते ज़्यादा। इस बीच पे आपको शेल्स भी देखने को मिलती है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस कॉलेज, वहाँ पे हमने कार हमारी पार्क की थी, तो वहाँ से फिर हम घर जाएंगे। तो भाइयों, अभी हम कॉलेज से घर पहुँच चुके हैं, अभी फ्रेश होके अभी खाना खा के बैठा हुआ हूँ। तो दिस वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ व्लॉगिंग, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। बाय बाय।